दोस्तों, इससे मैं गुजरात में हूँ। गुजरात में इंटरेस्ट सोलर एग्जीबिशन यहाँ पर लगा हुआ है और आज की खास जो वीडियो है वो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। मैं इस समय माइक्रोटेक के स्टॉल पर हूँ और आपने बहुत सारे MPPT देखे होंगे, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ होंगी जो आपको MPPT के नाम पर बहकाती है। लेकिन मैं जिस माइक्रोटेक कंपनी की बात कर रहा हूँ, ये ब्रांडेड कंपनी है, हर कोई इस कंपनी का नाम जानता है। और इसमें खास बात क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूँ। ये जो MPPT आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये खास तरह के MPPT है। इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो खास तरह की टेक्नोलॉजी इनके अंदर यूज की गई है। अगर हम अदर कंपनियों की बात करें, जो लोकल कंपनियां हैं जो कस्टमर को बहकाती हैं, उनके जो MPPT हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12% ही जो इलेक्ट्रिसिटी उसे जनरेट कर पाते हैं, जबकि ये जो MPPT हैं कम से कम 30% तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं और इनकी जो लाइफ होती है वो 10 साल से भी ज़्यादा होती है। तो इनके पास 1 KVA से लेकर 10 KVA तक के यहाँ पर ये शोकेस किए हुए हैं MPPT। इसके अलावा इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी क्या यूज की है उसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में हम जानकारी लेना चाहेंगे, तो हमारे साथ बने रहकर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। सबसे पहले सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। हमारे पास मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्वर्टर को डेवलप करने का 35 साल का एक्सपीरियंस है। हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और हमारा अपना ग्लोबल R&D सेंटर है जिसमें 100+ लोग हमारे काम करते हैं R&D में। अब जैसे मैं जो आपको रेंज यहाँ दिखाने वाला हूँ, MPPT PCU की रेंज आप देख पा रहे हो जी। एक खास बात जो आपके साथ हूँ, मैं आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा, MPPT कहना और लिखना बड़ा आसान होता है जी। लेकिन रियल MPPT को डेवलप करना, आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग R&D का बैकअप होना चाहिए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप होना चाहिए, तभी आप ट्रू MPPT डेवलप कर पाते हो। प्रोडक्ट ट्रू MPPT वो होता है जो 30% ज़्यादा पावर पैनल से एक्सट्रैक्ट कर पाए एज कम्पेयर टू PWM। अब मार्केट में मैंने देखे काफ़ी सारे लोग MPPT के नाम पर जो PCU बेच रहे हैं वो ट्रू MPPT नहीं है, मतलब उनका जो एक्सट्रक्शन है पैनल से 10% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, वो 30% नहीं होता। और कंज्यूमर को क्योंकि इतनी अवेयरनेस होती नहीं है, उनको तो यही लगता है कि अगर PCU पर या इन्वर्टर पर MPPT लिखा है तो MPPT है वो जी। तो वो उनका ना बहुत लॉस होता है, कंट्री का भी लॉस होता है, क्योंकि हम सोलर पैनल का मतलब खाली इकोनॉमिक्स नहीं है, हमें क्लाइमेट को भी बचाना है। तो अगर हम एफिशिएंट प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, राइट प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर नहीं कर पाएंगे, नॉट ओनली कि हम कॉस्ट वाइज सफ़र कर रहे हैं कंज्यूमर, क्लाइमेट वाइज भी हम लोग सफ़र कर रहे हैं। तो सबसे खास बात, सबसे USP जो हमारे प्रोडक्ट में है कि हम जो MPPT की रेंज बना रहे हैं वो ट्रू MPPT है। दैट मीन्स वो हमारा 30% ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेगा पैनल से पावर एज कम्पेयर टू PWM। तो ये हमारा एक USP है बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग R&D बैकअप एंड स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। अच्छा सर, जैसे आपने ये बताया है, इसके बारे में जानकारी दी है, तो मैं समझता हूँ जैसे ये छोटे छोटे MPPT हैं, ये बड़े वाले MPPT हैं, तो इन दोनों में मतलब क्या डिफरेंस है, कितने किलोवाट का है, कितने किलोवाट का है? हमारे पास आप देखोगे कि कंज्यूमर की पूरी रेंज है। कुछ छोटे कंज्यूमर्स हैं जो लाइट्स, फैंस, TV वगैरह चलाना चाहते हैं सोलर से जी। और कुछ ऐसे कंज्यूमर भी है जो एयर कंडीशनर भी चलाना चाहते हैं, समरसेबल पंप भी चलाना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन और हैवी लोड भी चलाना चाहते हैं। तो क्योंकि हम तो हर सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमारा सबसे छोटा MPPT का देखोगे ये एक 1 KVA का प्रोडक्ट है जो कि उन कस्टमर्स के लिए है जो TV, फैन, लाइट्स वगैरह चलाना चाहते हैं, हैवी लोड नहीं चलाना चाहते। उसके बाद आप देखोगे फिर 2 KVA, 3 KVA, 5 KVA, 7.5 KVA और 10 KVA। ये जो बड़ी वाली रेंज है हमारे पास उन कंज्यूमर्स के लिए है जो एयर कंडीशनर भी चलाना चाहते हैं, समर्सिबल भी चलाना चाहते हैं, और कुछ जैसे 10 KVA की रेंज है वो उन कस्टमर्स के लिए है जो मल्टीपल AC चलाना चाहते हैं, बहुत सारे लाइटिंग, फैन और TV के साथ साथ वॉशिंग मशीन, मतलब पूरे घर का लोड ही वो 100 रुपये करना चाहते हैं। इसलिए हमने पूरी रेंज ऑफर की है। अब ये जो रेंज है हमारी 1 KW से 2 KW तक की, ये 70 से 80% कंज्यूमर की नीड को पूरा कर देते हैं। मार्केट जो खासियत होनी चाहिए MPPT में वो सारी हैं इसके अंदर, वो सारी खास है। खासियत क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो वो ट्रू MPPT होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि प्रोडक्ट आपने बेच दिया तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सर्विस का बैकअप भी अवेलेबल होना चाहिए और पूरे इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि आप प्रोडक्ट पूरे इंडिया में बेच रहे हो तो आपके पास सर्विस भी पूरे इंडिया में ऑन साइट अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे सर लोग MPPT वगैरह और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बस उनका जो टारगेट है वो ये है कि कैसे कस्टमर खरीद ले, फिर सर्विस मिले ना मिले वो जाना सिखा, वो इतनी बदरेशन करते नहीं है, फिर कस्टमर भी परेशान होता है। उससे दो नुकसान होते हैं, एक तो कस्टमर का तो कॉन्फिडेंस लूज होता ही है, पूरी इंडस्ट्री से लूज होता है। मान लीजिए 10 कंपनी ऑपरेट कर रही हैं और 2-3 कंपनी या 4 कंपनी एक अच्छा सर्विस बैकअप नहीं दे पा रही हैं या अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे पा रही हैं, तो सोलर के प्रति एक कंज्यूमर का जो परसेप्शन होता है वो खराब हो जाता है। तो उसमें पूरी इंडस्ट्री का लॉस है, कंपनी का लॉस तो है। तो हमें, मेरा तो इस सब के लिए यही मैसेज है कि कोई भी प्रोडक्ट हम कंज्यूमर को ऑफर करें, सबसे पहले तो वो ट्रू रेटिंग का प्रोडक्ट हो। अगर वो MPPT ऑफर कर रहे हैं तो ट्रू MPPT होना चाहिए। दूसरा, हम अपनी टीम को और अपने नेटवर्क को, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर को इतना ट्रेन करें, क्योंकि ये थोड़ा सोल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट है सोलर, वो इतना ट्रेन करें कि कंज्यूमर को राइट सोल्यूशन ऑफर कर पाएँ। सर ये और बता दें कि जो इनकी जो प्राइस है, सर प्राइस बता पाएंगे क्या इनके?
प्राइस मैं आपको प्राइस लिस्ट शेयर कर लूंगा आपके साथ। अच्छा सर, आपने अपने MPPT के बारे में बताया है, लेकिन इनके अंदर खास टेक्नोलॉजी क्या, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां MPPT बना रही हैं, तो आपके में ऐसी क्या खास बात है? एक तो मैंने आपको बताया कि जब MPPT प्रोडक्ट बनाते हैं जी, इसमें दो पार्ट होते हैं डेवलप करने के लिए। एक होता है सॉफ्टवेयर पार्ट, लॉजिक लिखे जाते हैं, तो वो उसमें यू नीड अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो कि लॉजिक लिखे हैं सॉफ्टवेयर पार्ट। दूसरा होता है उसको हार्डवेयर डिजाइनिंग, तो हमारा वी हैव टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो कि हार्डवेयर डिजाइन करती है, और सॉफ्टवेयर की भी हमारे पास टीम है जो एक्सपर्ट्स है लॉजिक लिखने में MPPT के, जो कि हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है। दिस इज USP नंबर 1। USP नंबर 2, अब आप देखेंगे जो इसमें कंपोनेंट लगते हैं, MOSFET लगते हैं, IGBT लगते हैं, माइक्रो प्रोसेसर लगते हैं, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट मेक्स आते हैं। आपके पास चीपर मेक भी अवेलेबल हैं और आपके पास रिलायबल मेक भी अवेलेबल हैं। हम माइक्रोडक में कभी भी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते जी। हम मेक श्योर करते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपोनेंट हम इसमें इंसर्ट करें, क्योंकि एक तो क्या होता है, वन टाइम आपकी कॉस्ट है प्रोडक्ट की, फिर आपको लाइफ होता है। अगर आप भरोसे के साथ साथ क्या होता है, सपोज करिए आपने 1,00,000 रुपये स्पेंड किए सोलर सोल्यूशन में जी, अब आपको फर्स्ट टाइम बाइंग में तो प्राइसिंग का डिफरेंस शायद नज़र आ जाए चीपर प्रोडक्ट में, लाइफ भी तो है उसकी जी। मैं जो कंप्लेंट, हमारी कंपनी माइक्रोटेक जो कंप्लेंट यूज़ करती है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंप्लेंट यूज़ करती है, ताकि प्रोडक्ट की लाइफ भी आपको पूरी मिले फीचर्स के अलावा जी, जी। और अगर सस्ती कंपनी का प्रोडक्ट कोई खरीदता है जिसमें कंपोनेंट रिलायबल नहीं है, तो लाइफ आधी रह जाती है उसकी। अच्छा सर, ये बताएं कि वारंटी क्या है, कितने साल तक चलता है? हम लोग ऑन साइट जो जैसे सोलर PCU हैं, इनकी लाइफ 10 साल प्लस ही होती है। हम जो ऑन साइट वारंटी ऑफर करते हैं, स्टैंडर्ड वारंटी 2 साल की करते हैं। लाइफ कितनी है? 10 साल है। 10 साल प्लस लाइफ चल जाती है। 10 साल प्लस लाइफ चल जाती है। अच्छा, इन्हें चलाने में सावधानी क्या बरतनी चाहिए लोगों को? इसमें चलाने से ज़्यादा जब हम इसकी कस्टमर कंज्यूमर प्लेस पर इंस्टॉल करते हैं, तो हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूँ और अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा जी। एक तो जब भी आप सोलर सिस्टम लगवाएं या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगवाते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपके उसमें अर्थिंग प्रॉपर करें, सेफ्टी पॉइंट से अर्थिंग प्रॉपर हो। दूसरा, आपका जो डिजाइनिंग है सिस्टम का, जब आप खरीदते हैं सिस्टम, एक इलेक्ट्रिशियन से या हमारी कंपनी में भी एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, आप एक कॉल करिए हमारे कॉल सेंटर में, वो आपको बताएगा आपका लोड कितना है, आपको बैकअप कितना चाहिए, तो आपको डिजाइन करके देगा कि कितने KV का PCU आपके यहाँ लगेगा, बैटरी बैंक कितने एज का होगा, कितने वोल्ट का होगा, और सोलर पैनल की कैपेसिटी कितनी होगी। सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन में, वायर का साइज कैलकुलेशन में, बैटरी बैंक, अर्थिंग, जो भी सेफ्टी फीचर्स होते हैं, MCB आपको लगना है या आपको DC फ्यूज लगना है, AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगना है, उस पर कभी भी कंज्यूमर को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में जब कंज्यूमर कोटेशन लेता है 2-3 कंपनी से, तो कई बार ये क्या होता है कि जो चीप कंपनियां मार्केट में है वो कोटेशन कम कोट कर देती है, क्योंकि वो सेफ्टी पे कंप्रोमाइज करती है। मेरा कंज्यूमर है वो बैठ जाता है उसमें। कंज्यूमर का 2-3 तरह से लॉस होता है। नंबर 1, उसको बिजली का उत्पादन कम मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम होगा, वो भी उसका फाइनेंशियल लॉस है। सेफ्टी पे वो कंप्रोमाइज करेगा कि घरों में लेडीज भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, वहाँ कंप्रोमाइज करेगा वहाँ पर। तीसरा, उसको लाइफ में जो प्रोडक्ट की या सोल्यूशन की लाइफ है वो आपको कम मिलेगी। तो हमेशा एक अच्छे ब्रांडेड लाइक माइक्रोटेक का प्रोडक्ट आप लें, और हमारे एक्सपर्ट्स हैं सर्विस में, उनसे हमारी लोड चेक करवा लें, अपना साइजिंग करवा लें, उसी के अकॉर्डिंगली सिस्टम घर में लगाएं। थैंक यू सर, थैंक यू जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।